हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपनी दोस्त की भेजी हुई एक सच्ची भूतिया घटना सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में उसकी एक अनोखी दोस्त होती है, तो बिना देरी किए शुरू करते इस कहानी को। हैदराबाद की रहने वाली पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कुमारी स्मृति ने महज 29 साल में जो नाम और शोहरत कमाए हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पर अचानक हुई इनकी रहस्यमयी मौत ने सबको हिला कर रख दिया। किसी ने न सोचा था कि सामान्य चल रहा इनका जीवन अचानक से तबाह हो जाएगा। इनकी मृत्यु के पश्चात जब पुलिस वालों ने इनके परिवार वालों से पूछताछ शुरू की, तो इनके परिवार वालों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। इनके परिवार वालों का कहना था कि स्मृति के मौत के बारे में इन्हें कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि स्मृति पूरी तरह से स्वस्थ थी, उन्हें अंदरूनी भी कोई बीमारी नहीं थी। हाँ, ये बात सच थी कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होने के नाते वो हर समय भूत प्रेतों के बारे में ही सोचती रहती थी। उनके हाथ में हर समय एक छोटी सी डायरी एवं एक कलम उनके साथ रहा करती थी। वे अपने साथ घटने वाली हर घटना को उस डायरी में लिखा करती थी। किसी के यहाँ से उनके पास कॉल आता था तो वह आधी रात को भी उसके पास चली जाती थी। वे अपने काम को बेझिझक एवं पूरे बुलंदी के साथ किया करते थे, और आज तक कभी भी हम लोगों ने उनकी डायरी को छुआ तक नहीं। जब पुलिस वालों ने स्मृति की डायरी उनके परिवार वालों से मांगी, तो उनके परिवार वालों ने वह डायरी छुपा दी और पुलिस वालों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी कि डायरी इन्होंने कहाँ रखी है। पुलिस के जाने के बाद जब इनके परिवार वालों ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, तो उनके होश उड़ गए। ऐसी अनोखी बात जिस पर किसी व्यक्ति को यकीन तक ना आए, पर वह हर एक बात सच्ची थी। आखिर क्या लिखा था स्मृति ने और क्यों? स्मृति के डायरी में लिखा हुआ था कि रात के 1 बज रहे थे, अचानक फ़ोन की घंटी बजने से मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा इतनी रात गए आखिर कौन हो सकता है। जब मैंने इधर से कॉल किया तो उधर से किसी औरत की आवाज़ आई। औरत बोल रही थी, क्या आप मेरी समस्या को सुलझा सकते हैं? मैंने पूछा कि आखिर आप बोल कहाँ से रही हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं कश्मीर से बोल रही हूँ, अगर आप यहाँ आ सकती हो तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। एक क्षण के लिए तो मैं भी चौंक गई। मुझे लगा कि इतनी दूर से कौन हो सकता है। फिर मैंने सोचा, कोई बात नहीं, चला जाएगा। मैंने उस रात से उसके घर की पूरी जानकारी ले ली और अगले 2 दिन के अंदर उस औरत के कहे अनुसार उसके घर के पास पहुंच गई। जहां उस औरत का घर था, वहां तक कोई गाड़ी वाला जाने को तैयार नहीं था। गाड़ी से चलने के बाद भी मुझे तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ा था। उसका घर जंगल के एकदम बीच में था, ईंटों से बने पक्के मकान बाहर से देखने में तो एकदम सामान्य लग रहे थे अन्य मकानों की तरह। जब मैं उसके दरवाजे पर पहुंची तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो कुछ ही क्षण में एक औरत ने आकर दरवाजे को खोला। मैंने पूछा, क्या आप वही हो जिसने मुझे कॉल किया था? तो उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ, मैंने ही आपको बुलाया है, आइए आप अंदर आकर आराम से बैठिए, घबराने की कोई बात नहीं है, आप इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं, थक चुके होंगे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। और ये कहकर
वो रसोई की तरफ चली गई। थोड़ी देर में उसने मेरी ओर एक पानी का गिलास बढ़ाया और मेरे सामने सोफा पर बैठ गई। मैंने देखा कि जब वो औरत रसोई घर से आ रही थी तो उसके पैर भीगे हुए थे, लेकिन उसके पैर के निशान उसके फर्श पर नहीं पड़ रहे थे। फर्श बिल्कुल सूखा हुआ था, उस पर पानी का एक भी बूंद नहीं था। मुझे थोड़ा यहाँ अजीब सा लग रहा था। मैंने तुरंत ही उस औरत से पूछा कि आखिर आपने मुझे यहाँ किस काम से बुलाया था और आप शहर से इतनी दूर यहाँ पर क्यों घर बनाकर रह रहे हैं? क्या आप अकेली रहती हैं यहाँ पर या कोई और भी रहता है? तो उसने जवाब दिया कि मेरे साथ मेरी एक छोटी बेटी रहती है। मैंने कहा ठीक है, आप अपनी समस्या बताएं, आखिर किस वजह से आपने मुझे यहाँ बुलाया है? उस औरत ने कहा कि मेरी बच्ची अभी अपने कमरे में सोई हुई है और जब वो सोकर उठती है तो उसे बाहर से ढेर सारे छोटे बच्चों की पुकारने की आवाज़ आती है और मेरी बच्ची जंगलों की तरफ चली जाती है। मैं देखती हूँ कि वह एक पेड़ से पूरी तरह चिपक कर कान को लगाए रहती है, मानो पेड़ से कुछ आवाज़ आ रही हो जिसे यह सुनना चाहती है। जब मैं उससे पूछती हूँ तो वह कहती है कि माँ, मुझे पेड़ों के अंदर से एक लड़की पुकारती है जो काफ़ी कष्ट में है। उसे किसी ने अंदर कैद कर रखा है। वह रोती रहती है और हमें आवाज़ लगाती है। मैंने उस औरत से कहा कि मैं खुद तुम्हारी बेटी से मिलना चाहती हूँ, मुझे उसके कमरे तक ले चलो। उस औरत ने कहा कि वो देखिए सामने है उसका कमरा, आप चलिए मैं आती हूँ। सीढ़ियों से चढ़कर मैं उस बच्ची की कमरे तक पहुँच गई। मैंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और सामने बेड पर एक बच्ची सोई हुई है। जैसे ही मैंने उसकी ओर अपनी कदम बढ़ाई, वह बच्ची अचानक से उठकर खड़ी हो गई। खड़ी होकर वो छलांग लगा देती है और नीचे कूद जाती है। तुरंत ही मैंने खिड़की से नीचे झांका तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बच्ची मर चुकी थी और उसके शरीर कट कर दो हिस्सों में बट गया था। बच्ची की हालत देखकर मेरे होश उड़ गए और आज तक कभी कुछ ऐसा मैंने नहीं देखा था। मैं तुरंत ही उसकी माँ को आवाज़ लगाने लगी, लेकिन वो घर में नहीं थी। मैंने पूरे घर को छान मारा, लेकिन उसकी माँ भी कहीं नहीं दिखी। आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा था, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। बाहर देखते ही देखते तेज की आंधी चलने लगी। मैं तुरंत ही घर से बाहर निकली तो देखा कि सामने पेड़ पर ढेर सारे पंजों के निशान बने हुए थे जिससे खून टपक रहे थे और उस जंगल में अजीब अजीब आवाज़ गूंज रही थी। आज तक मुझे कभी डर नहीं लगा था, आज मैं पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। मैं तुरंत ही उस घर को छोड़कर वहाँ से भागने लगी। भागते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे शरीर के भीतर कोई और प्रवेश कर गया हो जो मेरे साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे उल्टियाँ आने लगी, मेरा स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था आखिर मेरे अंदर क्या है। लग रहा था मेरे अंदर कोई और सांस ले रहा है। उनके डायरी में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था इस घटना के बारे में। इस घटना के तकरीबन 3 महीने बाद ही अचानक उनकी मृत्यु हो गई, जैसे कि उनके परिवार वालों ने बताया। आखिर ऐसी क्या बात थी कि उन्होंने इस घटना को अपने परिवार वालों से खुद नहीं कहा? क्या वह लाश स्मृति की थी या किसी और की? तो कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो इस वीडियो को। कितना दिन हो गया है वीडियो बनाए हुए पता नहीं,
यार जो भी हो सब्सक्राइब कर लो यार, और अगर मेरी वॉइस ओवर में कुछ गड़बड़ लगता है तो हाँ क्या ही कहें तुमको। खैर मेरे को ही कुछ कहना चाहिए, रहने दो, समझने वाले समझदार हैं। यूट्यूब से एक भी नहीं मिला है, कुछ मिला होता तो तुम समझ सकते हो हम कहाँ होते। खैर इस वक्त लाइक कर दो यार, चलते बनते हैं, क्या बकवास कर रहे हैं हम भी, रोज़ रोज़ बकवास पे बकवास। चलो बाय बाय बाय।